वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तला'आत अता ताहिर भी वज़ीर आज़म के हमराह, मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। अगले चंद घंटों में बुहरा अरब में साइक्लोन बन सकता है, महकमे मौसमियात का अलर्ट। समंदर में शदीद तूफ़ानी, कराची में तेज़ हवाएं, कई मकामात पर दरख्त गिर गए, तूफानी बारिश का इम्कान। डीजी मेट महर साहबजाद खान का कहना है कि रवा माह सिंध में मामूल से 318% ज्यादा बारिशें हुई। सिंध और बलूचिस्तान के माहीगीरों को तूफान टलने तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। छब्बीस अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का वाकया मामूली नहीं, इसके लिए मनसूबाबंदी की गई। हमें मालूम है इसके पीछे कौन है। वाकये में 2-3 ग्रुप मुलाविस हैं। ये वाकया शंघाई तआवुन तंजीम कॉन्फ्रेंस को खराब करने की प्लानिंग है। बहुत से लोगों को तकलीफ है कि SCO इजलास ना हो, हम SCO इजलास की मेजबानी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा पार्लियामेंट सुप्रीम है, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो रियासत को नहीं मानते बंदूक उठाते हैं, वो दहशतगर्द हैं, इनका बंदोबस्त करेंगे। जो रियासत पाकिस्तान को मानते हैं उनको सर पर बिठाएंगे, इनके मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। असल मसाइल पर तवज्जो दिए बगैर सिर्फ ताकत पर इन्हिसार करेंगे तो नतायज अच्छे नहीं होंगे। जंगों के आखिर में भी मुज़ाकरात की टेबल पर ही आना पड़ता है। ऑपोजिशन लीडर शिब्बी फराज का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा, असल स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना होगा। अगर दहशतगर्द अफगानिस्तान में है तो हमें अफगानिस्तान से बात करना होगी। अफगानिस्तान का सिफारती ब्लैकआउट हमारे मफाद में नहीं है। मौजूदा और साबिक वजीर खारजा ने अफगानिस्तान का एक दौरा तक नहीं किया। ANP के सेनेटर उमर फारूक ने कहा कि एक वफाकी वजीर कहता है बलूचिस्तान एक SHO की मार है। परवेज मुशर्रफ भी कहता था कि तुम्हें वहां से हिट करेंगे। आज हम उसी के किए धरे का रोना रो रहे हैं। बलूचिस्तान के SHO को छोड़ें, पहले कच्चे से अपनी बख्तरबंद गाड़ियाँ वापस लाएं। कच्चे के डाकू 12-12 पुलिस वालों को कत्ल कर रहे हैं, पहले वहाँ अपना सर ऊँचा करें। हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। हैदराबाद की रिहायशी माँ अपने 8 साल गुमशुदा बच्चे की बाजियाबी के केस से दस्तबरदार हो गई। सिंध हाई कोर्ट में कहा कि उनका केस खत्म कर दिया जाए। मजदूर लोग हैं, हर पेशी पर हैदराबाद से कराची नहीं आ सकते, उनका बेटा अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा। इस पर जस्टिस नेमतुल्ला ने कहा कि आप आने की तकलीफ ना करें तो भी केस चलता रहेगा, आपके बच्चे को बाजियाब कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अदालत ने 8 साल के बच्चे की गुमशुदगी की दरख्वास्त अहल खाना की सतह पर खारिज कर दी। बारिशों से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जानी और माली नुकसानात। दीरबाला में घर पर मिट्टी का तौदा गिरने से खवातीन और बच्चों समेत एक ही खानदान के 12 अफराद जान बहक हो गए। वादी नीलम के लवात नाले में बहने वाले नौजवान और खातून की लाशें निकाल ली गईं। मुल्तान में आसमानी बिजली और छत गिरने के 2 वाकयात में 2 अफराद जान बहक, एक बच्चा जख्मी हो गया। जेहलम में मूसलाधार बारिश के बाद सुहावा के करीब रेलवे ट्रैक बैठ गया। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली रेल टंडोई पुल के करीब रोक दी गई, इमदादी कार्रवाइयां जारी। दादू में कीथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बाद नदी नालों में तुफानी, गाज नदी में 2 मजदूर डूबकर लापता हो गए। सिंध में मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चे जहां बहक और 2 जख्मी। कच्चे के इलाके से सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर नकल मकानी। बलूचिस्तान में झलमक्सी में मूसलाधार बारिश के बायस सरकारी स्कूल के बरामदे की छत गिर गई। लेविस फोर्स के 3 चेक पॉइंट को जुजवी नुकसान पहुंचा। मचका सैलाबी रेला कोयटा आने वाली 18 इंच कतर की गैस पाइपलाइन बहा ले गया। कोयटा कलात में और दीगर अजला में गैस की सप्लाई मुअत्तल। लोरालाई के इलाके जंगीवाल में सैलाबी रेले आबादियों में दाखिल हो गए। शिमाली बलूचिस्तान में फ्लड वार्निंग जारी। बलूचिस्तान के 10 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया। PDMA बलूचिस्तान के मुताबिक आफत ज़दा करार दिए गए अजला में कल्लात, कच्छी, ज़ियारत और जाफराबाद शामिल। सोहबतपुर, उस्ता मोहम्मद, लसबेला, अवरान और चागी के अजला को भी आफत ज़दा करार दे दिया गया। PDMA का कहना है कि सूबाई हुकूमत हंगामी सूरत हाल से निपटने की पोजिशन में है। बोलान के इलाकों ढाढ़र, मच, भाग, कुठन और बालानाड़ी में मूसलाधार बारिश। रैले से मच में हेरक और N65 शाहरा पर ट्रैफिक मअतल, गाड़ियों की लंबी कतारें।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि घरेलू सार्फीन की तरह इंडस्ट्री के लिए भी बिजली बिलों में पायदार रिलीफ देना और पंजाब को कारोबार दो सूबा बनाना चाहते हैं। कारोबार करने वालों के लिए मजीद आसानियां पैदा करेंगे। एक्सपोर्ट मईशत की लाइफलाइन है, बरामदात बढ़ाने के लिए तमाम सहूलियात देंगे। एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ से गुफ्तगू में मरियम नवाज का कहना था कि ये महज रस्मी मुलाकात नहीं, इंडस्ट्री में हकीकी तब्दीलियां लाना चाहते हैं। वजारत आला उनके लिए चैलेंज है। 14 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी के एहसास से उन्हें नींद नहीं आती। आज भी इनके सेल में अगर कोई तफ्तीशी बंदा जाए तो आपको कोकीन भी मिलेगी इनके सेल से और हीरोइन भी मिलेगी। वो जो जेल के इंतजामिया को चेंज किया गया है वो किस बुनियाद पर किया गया है? इन्हीं बुनियाद पर किया गया है कि वो सप्लाई देने के इल्जाम उन पर लगाए गए और वो साबित हुए। ये मैं एक्सपंज कर रहा हूँ ये जो आपने कहा। आज भी किसी तफ्तीशी को जेल में बानी पीटीआई के सेल में भेजा जाए तो कोकेन और हेरोइन मिलेगी। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का कौमी असेंबली के इजलास में खिताब, कहा जेल इंतजामिया को सप्लाई का इल्जाम साबित होने पर तब्दील किया गया। स्पीकर कौमी असेंबली ने हनीफ अब्बासी की ये गुफ्तगु असेंबली की कार्रवाई से हज़फ कर दी। एहसन इकबाल ने कहा कि बानी पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है वो मुकाफात अमल है। नून लीगी रहनुमाओं ने बहादुरी से जेलें काटी, पाकिस्तान की अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित की, इनकी तरह चीखें नहीं मारी। कांग्रेस में जाकर अमरीकी सेनेटर्स के पांव नहीं पकड़े। इंटरनेट का गला घूंट दिया गया ताकि बानी पीटीआई का नाम ना चले। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की कौमी असेंबली के इजलास में दुहाई, कहा पहले बताया गया कि 28 अगस्त तक इंटरनेट स्पीड ठीक हो जाएगी, अब बताया जा रहा है कि इंटरनेट वेब सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है। आईटी कमेटी में गलत बयानी की गई। उमर अयूब ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान के बारे में आप कहते हैं कोई मसला नहीं है, बलूचिस्तान में मायूसी फैल रही है जो कि खौफनाक बात है। जो लोग बुरे वक्त में छोड़ गए उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। बानी पीटीआई ने पार्टी छोड़कर जाने वालों के लिए पॉलिसी का ऐलान कर दिया। किसी का नाम लिए बगैर कहा उन्हें सब मालूम है कि बुरे वक्त में कौन कौन छोड़ कर गया। जो गुड टाइम चार्ली थे वो बुरे वक्त में छोड़ गए, अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। बोले जिन्होंने बुरे वक्त में तशद्दुद बर्दाश्त किया लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी, वो तसल्ली रखें। जिन लोगों पर फैमिली और बच्चों समेत तशद्दुद किया गया, घर तोड़े गए, ब्लैकमेल किया गया, उनकी तादाद कम है। मियांवाली के अमजद खान पर बहुत तशद्दुद हुआ और वो आईसीयू में भी रहे। मुस्तकबिल करीब में बानी पीटीआई की जमानत नजर नहीं आ रही। राणा सनाउल्ला की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल करने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने काबीना में शमूलियत पर कहा था कि मामला सीईसी में रखा जाएगा। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर ने कहा कि 9 मई के वाकयात पर बानी पीटीआई तस्लीम करें कि उनसे गलती हुई है। बानी पीटीआई हर धर्मी जिद और झूठी अनाप पर अड़े हुए हैं, अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, उल्टा कहते हैं उनसे माफी मांगी जाए। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। अदालत की डेप्टी सुपरिटेंडेंट को बानी पीटीआई के बच्चों से बात कराने की हिदायत। समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। तोशाखाना के नए रेफरेंस में नैब ने तैयारी के लिए मजीद मोहलत मांग ली। समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि फैमिली को बानी पीटीआई से नहीं मिलने दिया जाता। आज तोशाखाना की जमानत के लिए दरख्वास्त दी तो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि तैयारी नहीं, अब ये चाहते हैं कि 190 मिलियन के रेफरेंस में जल्द सजा दे दी जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस में फैसला करीब है जिसकी वजह से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। फैज़ हमीद और नेटवर्क पकड़े जाने के बाद बानी पीटीआई की फैसला साजी खत्म हो चुकी है। ब्लैकमेल करने के लिए कभी जलसे कभी रैली का ऐलान किया जाता है। ये इनकलाब नहीं, इक्तदार चाहते हैं, दोबारा किसी के कंधे पर बैठकर इक्तदार में आना चाहते हैं। इनकलाब मौखर हो गया है, 8 सितंबर का जलसा भी मुलतवी किया जाएगा।
अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बेशतर सहाफियों को कवरेज से रोक दिया गया। जेल इंतजामिया ने सिर्फ 5 सहाफियों को कवरेज की इजाजत दे दी। जियो न्यूज समेत 8 से 10 सहाफियों को जेल के बाहर रोक दिया गया। एक साल से जेल ट्रायल कवर करने वाले सहाफियों के साथ जेल इंतजामिया के नामुनासिब रवैये पर सहाफियों का एहतजाज। सहाफियों ने जेल इंतजामिया के रवैये पर 2 मरतबा अदालत में दरखास्त भी जमा कराई। जराय का कहना है कि जेल में मुबैना सहूलतकारी नेटवर्क पकड़े जाने के बाद जेल इंतजामिया सहाफियों की कवरेज में रुकावटें पैदा कर रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया। टेस्ट फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी को टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप होने के बाद टीम से रिलीज कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने कहा था कि चाहते हैं शाहीन बेटे की पैदाइश के बाद अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर का मसला आर्टिकल 370 ने खत्म कर दिया है। अब सवाल यह है कि हम पाकिस्तान के साथ किस किस्म के ताल्लुकात रखना चाहते हैं। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। मामला चाहे मुस्बत सम्त में जाए या मनफी सम्त में, भारत रद्द अमल देगा। सिंध में बारिशों से पेश आने वाले मुख्तलिफ हादसात में अब तक 6 हलाकतें हुई हैं। मानसून बारिशों के दौरान इंतजामिया अलर्ट है। जहां भी बारिश का पानी जमा हुआ उसकी निकासी की गई। वज़ीरे इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश सिला बदीन में 168 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रही है। बारिशों से कराची की सड़कों की हालत मुतासर हुई। बारिश का सिलसिला रुकते ही सड़कों की सरकारी का काम शुरू कर दिया जाएगा। और मेयर कराची मुर्तजा वहाब का बल्दिया टाउन, हब रिवर रोड और मलिखा इलाकों का दौरा, कहा KMC अमला और तमाम बल्दियाती नुमाइंदे फ़ाल हैं। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के हाथ कुछ नहीं आ रहा। हम काम पर यकीन रखते हैं। मिलकर काम करने और लोगों की मदद करने से मुश्किलात खत्म होती हैं।